थ्री फिंगर कस्टम एचयूडी इन फ्री फायर, यानी कि आप लोग इस वीडियो में इसलिए क्लिक किए हो क्योंकि आप लोग को भी जानना है कि आप लोग भी थ्री फिंगर का कस्टम एचयूडी कैसे सेट कर सकते हो एंड अपना गेम प्ले गॉड लेवल कैसे कर सकते हो। तो यस गाइस, आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक बेस्ट कस्टम एचयूडी बताऊंगा एंड आप लोग इसको वर्ल्ड का बेस्ट कस्टम एचयूडी एंड सबसे इजिएस्ट कस्टम एचयूडी भी बोल सकते हो। एंड यस गाइस, ऑब्वियसली ये कस्टम एचयूडी बहुत ज्यादा इजी है एंड बहुत जल्दी आप लोगों के साथ ये मतलब घुल मिल जाएगा आपके साथ, ऐसे बोल सकते हो। ऑल्सो इस कस्टम एचयूडी का यूज करके आप लोग अच्छे से अच्छे प्लेयर्स को डिफीट कर सकते हो, लाइक पीसी प्लेयर्स को भी डिफीट कर सकते हो, लेकिन कुछ पीसी प्लेयर्स को छोड़कर, जैसे कि Yes guys, अगर आप लोगों ने सोचा है टू फिंगर से थ्री फिंगर में शिफ्ट होने का तो बिल्कुल आपने सही सोचा है। अब आप में से काफी सारे बंदे हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि वो लोग जैसे ही टू फिंगर से थ्री फिंगर पे स्विच होते हैं उनका गेम प्ले खराब हो जाता है। आप लोग टू फिंगर से थ्री फिंगर पे स्विच होते हो इसलिए क्योंकि आपका गेम प्ले इम्प्रूव हो जाए, बट इम्प्रूव होने की जगह बिगड़ जाता है। अब ये जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। या तो आप लोग को एक बेस्ट थ्री फिंगर कस्टम एचयूडी नहीं मिल पाता है, या तो फिर आप लोग एकदम हार्डेस्ट कस्टम एचयूडी चूज कर लेते हो जिसकी वजह से आप लोग का गेम प्ले इम्प्रूव होने के जगह पे और भी ज्यादा खराब हो जाता है। तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वर्ल्ड्स बेस्ट थ्री फिंगर कस्टम एचयूडी एंड सबसे इजीएस्ट कस्टम एचयूडी लेके आया हूं जिससे आपका गेम प्ले गॉड लेवल हो जाएगा। एंड यस, वीडियो के लास्ट में मैंने सबसे इजी कस्टम एचयूडी के बारे में बताया है, सो डोंट मिस एंड पार्ट। तो बिना किसी तरीके आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। यस गाइस, मैं आप लोगों को इस वीडियो में पांच बेस्ट कस्टम एचयूडी देने वाला हूं। तो यार हम लोग पहले फिफ्थ नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिफ्थ नंबर पे जो हमारे गाइस कस्टम एचयूडी है उनका नाम गाइस इनवोक है। क्या मतलब, ये कैसा नाम है? अरे भाई नाम से क्या करना है, नाम को छोड़ो यार, पहले काम देखते है भाई के। चल छोटू लगा दे गेम प्ले। क्या हुआ, गेम प्ले देख के हवा निकल गई? बस हवा निकल गई। पहले तो बड़ा हंस रहे थे, क्या मतलब मैं भी हंस रहा था। अब आए ना लाइन पे। तो हम लोग इन भाई साहब की अगर कस्टम एचयूडी की बात करें तो इन भाई साहब का कस्टम एचयूडी अलग ही लेवल का है। मतलब कि स्विच बटन को ऊपर रख दिया गया है और जो हमारा जंप बटन है वो भी लेफ्ट साइड में है एंड लेफ्ट साइड बटन को और स्कोप वाले बटन को दोनों साथ में जोड़ दिया है इन्होंने एंड स्विच बटन एंड ग्लूअल बटन भी एक साइड ही है। तो इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये है कि गाइस आप लोग ग्लूअल बहुत ज्यादा फास्ट लगा सकते हो उस कस्टम एचयूडी से एंड स्विच बटन भी एक साइड दिया है। तो इसका मतलब है कि आप लोग हेडशॉट मारने के बाद एकदम मस्त स्विच चल सकते हो जिससे आपका मूवमेंट भी एकदम अलग लेवल दिखे, पूरा पीसी प्लेयर के जैसा फील आएगा इस कस्टम एचयूडी में। तो हम लोग बढ़ते गाइस फोर नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे गाइस वन एंड ओनली ब्राजील सर्वर के सबसे फास्टेस्ट प्लेयर्स में से एक, जिसका नाम गाइस बिस्टो है। आप लोग इनको तो पहले से ही जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हो मैं उनको बताता हूँ गाइस, ये बहुत खतरनाक खेलते हैं, इनका मूवमेंट अलग लेवल है, ठीक है। एंड अगर आप लोग इनके कस्टम एचयूडी में शिफ्ट होते हो तो हो सकता है आपका भी गेम प्ले उस लेवल का हो जाए। इससे पहले कि मैं आप लोग को इसका कस्टम एचयूडी दिखाऊं यार, उससे पहले जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो एंड फटाक से एक वीडियो को लाइक कर दो यार। आप ये उनका गाइस कस्टम एचयूडी जिसको आप लोग कॉपी करके अपना गेम प्ले नेक्स्ट लेवल तक कर सकते हो। एंड इस कस्टम एचयूडी की सबसे खास बात ये है कि आप लोग इस कस्टम एचयूडी को फुल मैप में एंड कस्टम में दोनों में यूज कर सकते हो एंड दोनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। ज्यादा इसमें कुछ टफ है नहीं क्योंकि गाइस ये ज्यादा चेंजमेंट्स इस कस्टम एचयूडी में नहीं है, दैट्स व्हाई इस कस्टम एचयूडी को बहुत लोग ई-स्पोर्ट्स के लिए भी यूज किया करते हैं। भाई की कस्टम एचयूडी को बहुत बंदे कॉपी करते हैं एंड अगर आप लोग भी ई-स्पोर्ट्स खेलते हो तो इस कस्टम एचयूडी को आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र होकर यूज कर सकते हो। तो अपन लोग बढ़ते हैं टॉप थ्री नंबर के छोटी की तरफ। टॉप थ्री नंबर पे आते हैं अपने एआरके भाई जो कि गाइस नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल खेलते हैं, जिनका गेम प्ले अभी मैं तब से चला रहा हूँ, यानी कि गाइस वीडियो के स्टार्टिंग से मैं उनका गेम प्ले चला रहा हूँ। तो आप लोगों ने उनका गेम प्ले तो देख ही रखा है, तो जिनकी ये छोटी मैं दिखा दूंगा, पर उससे पहले मैं आप लोग को उनका एक बार गेम प्ले दिखाना चाहता हूँ साउंड के साथ। तो आप लोग देखो कि उनका गेम प्ले किस लेवल का है। Yes
गाइज आप लोग मुझे काफी बंदों को लग रहा होगा ये पीसी प्लेयर है, बट गाइज नहीं, ये फोन प्लेयर है। आप लोगों को मैं यहाँ पे प्रूफ भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये अपने हर वीडियो में अपना एचडी दिखाते हैं, तो फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका एचडी दिखा देता हूँ, जो कि गाइज आप लोगों को यूज करने के बाद आप लोग का भी गेम प्ले हो सकता है कि ARK भाई की तरह हो जाए, पता नहीं होगा कि नहीं, बट फिर भी आप लोग यार ट्राई कर सकते हो। एंड इसका एचडी बहुत मस्त है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को उसका एचडी दिखा देता हूँ। एंड ये सारा गेम प्ले ARK भाई का ही है। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा गाइज आप लोग इनका कस्टम एचडी कॉपी करो, कि मेरे गाइज ये पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मेरे को इनका गेम प्ले बहुत अच्छा लगता है लिटरली गाइज। एंड मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी इसका शायद गेम प्ले कर पाऊँ इनके जैसा। सो अब बढ़ते गाइज हम लोग अपने नंबर 2 एचयूडी की तरफ। तो नंबर 2 पे आते हैं हमारे जुलूम FF, जो कि गाइज इंडिया से बिलोंग करते हैं। एंड इनका गेम प्ले भी गाइज अलग लेवल है, ठीक है। एंड इनको भी आप महान प्लेयर्सों में से एक दर्जा दे सकते हो, पर इनको थोड़ा कम सपोर्ट मिलता है जैसा इनका गेम प्ले है। तो पहले आप लोग एक गेम प्ले देखो, उसके बाद ही आप लोग जज करो। I like his gameplay, bhai. Uske bhi headshot. अजीब एकदम यार, बढ़िया खेल रहा है ये। देखा गाइस आप लोगों ने कितना खतरनाक खेलता है ये बंदा। तो गाइस इसका एचओडी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, पर इस भाई का थोड़ा व्यूज कम आता है। अगर आप लोग चाहो तो गाइस इसको सपोर्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी जितने भी मैंने दिखाया एचओडी सबका मैं मेंशन कर दूंगा, तो जुदूम भाई को भी मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग इनको सपोर्ट दिखा देना, ओके। एंड अभी इनका कस्टम एचओडी आप लोग देख लो। अभी बात करते हैं इस एचओडी के फायदे क्या है। थोड़ा थोड़ा एचओडी ARK की तरह है एंड थोड़ा थोड़ा बीस्टो की तरह है। तो इस एचओडी में बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको इसमें ग्लूअल फास्ट लगेगा एंड मूवमेंट तो अलग ही लेवल होगा, ठीक है। एंड इससे मतलब एक्यूरेट आपका मतलब जो एक्यूरेसी वो ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यस गाइस द वेट इज ओवर, जिसके लिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक देखे हो। द वन एंड ओनली एक ऐसा कस्टम एचओडी जो दुनिया का सबसे इजीएस्ट कस्टम एचओडी है एंड ऑल्सो बेस्ट कस्टम एचओडी है। यस गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट डब्ल्यू जिंग, एकमात्र ऐसा प्लेयर जिसका एचओडी एकदम इजी है एंड आप लोग इसको इजी टू यूज कर सकते हो। एंड इतना खतरनाक, इतना जहरीला गेम प्ले इस भाई का। पहले आप लोग गेम प्ले देखो भाई का। बस बस ज्यादा नहीं, कहीं मेरे को क्लेम वलेम ना आ जाएगा। क्लेम आ जाएगा तो मैं हो सकता है इसका साउंड मतलब हटा दूं, ठीक है। तो यार आपको भी इसका एचओडी दिखा देता हूँ कि इनका एचओडी कैसा है एंड सबसे इजीएस्ट एचओडी मैंने इसको क्यों बोला है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा भाई उनका एचओडी, आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा इजी एचओडी है। एंड आप लोग देख सकते हो ऊपर में स्विच बटन रखा गया है, यानी कि 3 फिंगर में। एंड जो गाइस लेफ्ट फाउंडर का साइज है, मतलब उसको भी छोटा करके ऊपर के साइड में रखा गया है। एंड स्विच बटन देख सकते हो गाइस ऊपर है। एंड मतलब सबसे इजी एचओडी यही है गाइस, ठीक है। आप लोग इसका यूज करो एंड आप लोग बताओ आपको मतलब 2 से 3 दिनों में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलने लगेगा, ठीक है। एंड आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा। अब ये नहीं कहता आप लोग एचयूडी अभी लगाते हो एंड जाके आप लोग प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, सीधा 2-3 दिन के बाद अब गेम ऑन करोगे ऐसे करोगे, तो फिर आपको गाइस इंप्रूवमेंट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप कोई सा भी एचयूडी लगा लो, फिर आपका कभी जिंदगी में जमने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना गाइस, जो भी एचयूडी आप लोग सेट कर रहे हो उसके बाद आपको दबा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने जितने भी गाइस एचयूडी दिखाए, अगर आप लोगों को किसी भी एचयूडी में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग गाइस मतलब आपको कोई दिखने में प्रॉब्लम होता है, फिर कुछ समझ में आता है, तो मैं सारे चैनल्स का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक एक करके नंबर देके नंबर वाई नंबर, ठीक है। तो सभी का आप विजिट कर सकते हो चैनल एंड वहां से आप लोग एचयूडी एकदम निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, मैंने सभी के चैनल्स दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बस यार आज का वीडियो इतना ही था, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो यार। चलो आप मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।